हेलो इंटरनेट। तो इस ब्लॉग में हम एक सिंपल वीडियो बनाएंगे, मतलब एक होममेड ग्लू बनाएंगे, ग्लू बड़े सस्ते में। तो अब हम बीच बीच में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जिससे हर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो डाल पाऊँ। अपनी मशीनें हैं लेकिन उनमें टाइम लगता है, तो चलो ग्लू बनाते हैं। जब तक यहाँ पर ग्लू बनाने के लिए हमने इसमें पेट्रोल है और ये थर्माकोल है मिलाएंगे, और इसके लिए पेट्रोल डालेंगे। और अब आप देखिएगा इसका कमाल कितना बहुत है। ये थर्माकोल है, और ये गायब हो गया। तो ऐसे ही हम सारा थर्माकोल इसमें डालेंगे, जितना भी इसमें बन जाए। तो लगभग इतना ग्लू हमने बनाया है पूरी थर्माकोल की शीट से। अब हम इसमें से जो इसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो बाहर निकाल देंगे, इसमें वापस डाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो लकड़ियाँ हैं, इनको हम आपस में चिपकाएंगे और फिर देखते हैं कितना मजबूत चिपकता है ये। ओके, तो अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे, फिर देखते हैं कितना मजबूत चिपकता है। और यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक एयरलाइट एपॉक्सी, तो इसको भी हम यहाँ भी चिपकाएंगे, फिर देखते हैं कौन कितना मजबूत चिपकता है। ये 150 रुपये का है और इसको बनाने में लगभग 15 से 20 रुपये का खर्चा आया है। थोड़ा सा पेट्रोल है, बाकी थर्माकोल है, थर्माकोल बहुत सस्ता आता है। तो अब देखते हैं कौन कितना मजबूत चिपकता है। ओके, तो दोनों को हमने चिपका दिया है। यहाँ पर ये एपॉक्सी है और यहाँ पर ये पेट्रोल और थर्माकोल का बना हुआ ग्लू है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा मजबूती से चिपकता है, अंतर बता देता हूँ मैं एक बार फिर आपको। ये दोनों आए हैं 150 रुपये के और ये बना है 15 से 20 रुपये के आसपास खर्चे में। तो चलो देखते हैं, इसके लिए हम 7 से 8 घंटे इंतज़ार करेंगे, फिर बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पर पूरा एक दिन हो गया है और ग्लू सूख चुकी है, ये काफ़ी मजबूत है। चलो जो आपको दिखाई दे रही होगी ये काफ़ी मजबूती से सूखी है। इसमें बाकी आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये ज़रूर बने हैं इसमें, एयरलाइड है एपॉक्सी। तो चलो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। दोनों ही अच्छी मजबूती से चिपकी हैं, एपॉक्सी तो चिपकती है, हमारी ग्लू भी काफ़ी
मजबूती से चिपकी है। बाकी इसमें अंतर केवल प्राइस का है, ये 15 से 20 रुपए के आसपास बनी है और ये 150 रुपए की है। तो अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू की ज़रूरत पड़े तो आप पेट्रोल और थर्माकोल का यूज कर सकते हैं, उनको मिक्स करके ग्लू बना सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो जब तक आप हमारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट देखिए, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।